के अध्यक्ष वीएस वोरा जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। वोरा जी, ये जो कहा गया है जिस तरीके से कि अब 200 यूनिट तक बिजली की दरों में जो बिल है वो कहीं ना कहीं जीरो आएगा, शून्य आएगा, सिर्फ फिक्स चार्ज देने होंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, सीधी सी बात है, इलेक्शन का टाइम है और इस तरह के मेजर्स की तो उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल चल रहा है अब, जिन लोगों के 200 यूनिट्स का कंजम्पशन है वो तो बड़े खुश होंगे, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो पैसा तो हमारी अपनी जेबों से निकल रहा है, हम ही लोग टैक्स जमा करते हैं और वही टैक्स का पैसा इस तरह से फ्रीबीज में जा रहा है। सरकार कोई अपना तो कमा के लाती नहीं है, तो वही पैसा अगर इस तरह फ्रीबीज में ना जाके किसी जरूरी काम में लग जाए। अब हमारे इलाकों में आके देखिए, सड़कों में खड्डे खड्डे भरे पड़े हैं, अगर उनकी रिपेयर हो जाए इस पैसे से, तब भी तो जनता को फायदा होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर बोरा जी एक अहम बात ये भी है कि फिक्स चार्ज कल ही कम किए गए हैं और ये जो दरें हैं जो कटौती हुई है वो आज की गई है, लेकिन उससे पहले बढ़े हुए फिक्स चार्ज लिए जा रहे थे लोगों से। हाँ बिल्कुल, हम 28 मार्च 2018 से हम लोग लगातार इस चीज को, मुद्दे को उठाए हुए थे और आज तक भी उठाए हुए थे कि भाई किस वजह से आपने 6 से 10 गुना तक के फिक्स चार्जेस कर दिए, और इन पिछले 16 महीनों में हम समझते हैं लगभग 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा मुनाफा हो गया दिल्ली के डिस्कॉम्स को। आज दिल्ली सरकार ने फिक्स चार्जेस वापस तो कर दिए, लेकिन जो पिछले 16 महीनों में लगभग 5,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम्स को एक्स्ट्रा चला गया, वो किसके खाते में गया, हमें उसका भी तो जवाब चाहिए दिल्ली सरकार से। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप कहते हैं कि भाई डिस्कॉम की स्थिति अच्छी हो गई है, वो पहले से बेहतर हो गई है, तो फिर वो 5,000 करोड़ हमें वापस दिलवा दीजिए। और जो किराए पे रह रहे हैं वोरा जी, उनको उनको लेकर स्थिति क्या साफ हो गई है? नहीं, किराएदारों का तो देखिए रहेगा कि भाई जैसे 200 यूनिट तक का फ्री है, तो अगर वो तो उसको मालिक मकान के साथ ही कोई अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो ओवरऑल जो मीटर का बिल होगा वो तो उसका 200 यूनिट से ज्यादा ही आने वाला है, तो मालिक मकान को तो वो फ्री नहीं होने वाला है। हाँ, इस चक्कर में शायद कहीं थोड़ा बहुत कोई डिस्काउंट मालिक मकान किराएदार को दे दे, तो वो उनकी आपसी नेगोशिएशन पे, अपने मेल भाव पे, अपने मेल जोल पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किराएदारों को कोई फायदा होने वाला है। जी शुक्रिया वीएस वोरा जी, अध्यक्ष आरडब्ल्यूए, हमसे बात करने के लिए। बिजली बिल में राहत के ऐलान के बाद प्रतिनिधियों का दौर तेज हो गया, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और आपके बागी नेता कपिल मिश्रा का। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि...